दोस्तों देखिए हमारे सामने क्वेश्चन है, कहता है इफ एक्स इज द मीन प्रोपोर्शनल टू 12.8 एंड 64.8 एंड वाई इज थर्ड प्रोपोर्शनल टू 38.4 एंड 57.6 देन 2x रेशियो वाई इज इक्वल टू व्हाट। सबसे पहले कहता है x जो है मीन प्रोपोर्शनल है 12.8 एंड 64.8 के, तो मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है? तो जैसे मान लिया कि x जो है a और b के बीच का मीन प्रोपोर्शनल है, ठीक है, तो मीन प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? a रेशियो x, a अनुपात x समानुपात x अनुपात b, ठीक है, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। x जो है ये बीच में आ जाता है दोनों तरफ, यानी इसको हम लिख सकते हैं a अपॉन x इज इक्वल टू x अपॉन b, अब मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर इज इक्वल टू ab, x इज इक्वल टू अंडर रूट ab। यानी मीन प्रोपोर्शनल अगर टू क्वांटिटीज हैं, कहता है कि वो मीन प्रोपोर्शनल में है, तो कैसे निकलेगा मीन प्रोपोर्शनल उसका? तो मीन प्रोपोर्शनल होगा अंडर रूट प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर्स या दिस टू जो भी है क्वांटिटी जो भी दी हुई होगी। और फिर यहाँ पर कहता है y इज थर्ड प्रोपोर्शनल टू 38.4 एंड 57.6। तो थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है? थर्ड प्रोपोर्शन होता है कि अगर मान लीजिए x जो है वो a और b का थर्ड प्रोपोर्शन है, तो इसको हम कुछ यूं डिनोट करते हैं a रेशियो b, a अनुपात b समानुपात b अनुपात x। यानी यहाँ पर क्या है, x जो है ये फोर्थ पोजीशन पे रखते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं a अपॉन b इज इक्वल टू b अपॉन x, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, b स्क्वायर अपॉन a। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। पहला पार्ट है, कहता है x इज मीन प्रोपोर्शनल टू 12.8 एंड 64.8, यानी कि हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी, ए क्या है 12.8, b क्या है 64.8। अब हमको इसको क्या है कि इसका अंडर रूट निकालना है, तो इसका अंडर रूट निकालने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि इसमें देखिए इसका फैक्टर कुछ निकालने की कोशिश कीजिए। फैक्टर हम निकालेंगे कैसे? तो देखिए यहाँ 64.8 है, इसको 2, इसमें से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो 12.8 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 32.4। अब ये 2 से इस 12.8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 25.6 और ये आ जाएगा और ये बच जाएगा 32.4। अब देखिए तो 324 किसका, 18 का स्क्वायर होता है 324 और 16 का स्क्वायर होता है 256। तो अगर हम ये डेसिमल हटा दें तो नीचे क्या आएगा 10, तो 10 इंटू 10 हो जाएगा, ठीक है, तो 256 ये इसका क्या हो जाएगा अंडर रूट, जब इसका रूट निकालेंगे तो 16 आ जाएगा, 324 का अंडर रूट निकालेंगे तो 18 आ जाएगा और ये 10 इंटू 10 है तो 10 आ जाएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 288 डिवाइडेड बाई 10 यानी 28.8 आ गया। अब हमने क्या किया, मीन प्रोपोर्शनल निकाल लिया 28.8। अब कहता है कि y इज थर्ड प्रोपोर्शनल टू 38.4 एंड 57.6। तो थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, अभी हमने देखा कि b स्क्वायर अपॉन a, यानी y की वैल्यू होगी b स्क्वायर अपॉन a, b यहाँ पर क्या है, b यहाँ पर होगा 57.6 और ये क्या होगा 38.4। तो यही किया है हमने, 57.6 मल्टीप्लाइड बाई 57.6 डिवाइडेड बाई 38.4। अभी देखिए 57.6 जो है ये 576 जो है ये 24 का रूट होता है और 384 जो है ये अगर हम 24 से डिवाइड करें तो 16 बार में ये जाएगा, तो इससे क्या है कि ये हम कैंसिल आउट इससे कर सकते हैं, ठीक है, तो 24 ऊपर रह जाएगा, टू अगर हम इस डेसिमल इन दोनों का हटा लें तो 24 और ये 16 आ जाएगा, फिर क्या करेंगे 24 अपॉन 16 आएगा तो 8 दूनी 16, 8 तिरके 24, यानी ऊपर आएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 57.6, नीचे आएगा 2, 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये इतना आ जाएगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। कैलकुलेशन एग्जाम में क्वेश्चन जो दिए जाते हैं कुछ इस टाइप से दिए जाते हैं ताकि कैलकुलेशन ज़्यादा लेंदी ना हो। इसे क्या है, y की वैल्यू आ गई और हमें क्या निकालना था, 2x रेशियो y की वैल्यू निकालनी है, तो अब निकाल लेंगे 2
2x रेशियो y, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई 28.8 और y क्या है 86.4। अब देखिए यहाँ 86.4 जो है ये 28.8 को तीन बार आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 86.4 आएगा। तो यहाँ पर हमने यही लिखा है 2 मल्टीप्लाइड बाई 28.8 रेशियो 28.8 मल्टीप्लाइड बाई 3, 28.8 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 रेशियो 3 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी ऑप्शन इज करेक्ट। ये SSC CGL टीयर 1 CBE का क्वेश्चन था 2020 मार्च में इसका एग्जाम होगा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कहता है इफ 2x+1 x+2 2 एंड 5 आर इन प्रोपोर्शन देन व्हाट इज मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 3.5 1 -x एंड 8 1 +x। तो देखिए यहां पर क्या है कि इसका मीन प्रोपोर्शन निकालना है, तो x की वैल्यू हम क्या करें यहां से निकाल लें। और ये क्या है, ये क्वांटिटी, ये जो चार हैं 2x+1 x+2 2 और 5 ये प्रोपोर्शन में है। तो इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं 2x+1 अनुपात x+2 समानुपात 2:5। अब इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं 2x+1 upon x+2 इज इक्वल टू 2/5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 × 2x+1 इज इक्वल टू x = 2 × x+2। ये क्या हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी -1/8। अब क्या है कि x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब ये जो दो टू क्वांटिटीज हैं 3.5 × 1 - x और 8 × 1 + x ये मीन प्रोपोर्शन में है। तो आपको बताया था x इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी, यानी ये a और ये b, तो वही किया है हमने, अंडर रूट ए बी कर दिया है। तो 3.5, अब देखिए 1 - x है तो 1 - x की वैल्यू पुट कर दिया, x की वैल्यू क्या है -1/8 है। तो यहाँ माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, 8 + 1 = 9, ये 18, ये क्या हो जाएगा 9/8 हो जाएगा 3.5 × 9/8। और फिर यहाँ पर क्या है 8 × 1 + यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7/8 हो जाएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया है 7/8 कर दिया है। अभी इस 8 से ये 8 कैंसिल आउट हो जाएगा और 3.5 है इसको हम 7/2 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 7 है और अंडर रूट हटाना है तो 2 7 हो जाएंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। तो 7/2 9/8 मल्टीप्लाइड बाई 7, तो 7 और 7 ये 7 का स्क्वायर हो गया तो ये 7 बाहर आ जाएगा। 3 9 है तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा। और 8 × 2 = 16 यानी 4 का स्क्वायर हो गया ये, तो 4 बाहर आ जाएगा, यानी 21/5 ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर 5.25। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी ऑप्शन इज करेक्ट। ये भी सेम पिछले साल ही पूछा गया था, ये भी SSC टीयर 1 एग्जाम का ही क्वेश्चन है। उम्मीद है आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। हमारे चैनल राघव मैथ्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।